रिडले स्कॉट की 1982 में बनी एक्शन पैक्ड फिल्म ब्लेड रनर को देखकर आपने इस बात पर गौर किया होगा कि एक रोबोट को किस हद तक इंसान जैसा बनाना चाहिए। हो सकता है कि आगे जाकर वो अपने अधिकारों के लिए क्रांति शुरू कर दे। जहां ब्लेड रनर एक पुरानी फिल्म है, वहीं टर्मिनेटर, आई रोबोट, एवेंजर्स द एज ऑफ अल्ट्रॉन जैसी कई मशहूर साईफाई फिल्म्स हैं, जो मानव समाज को समय समय पर चेतावनी दे रही हो कि मशीनें कितनी विनाशकारी हो सकती हैं। अगर इंसान बिना सोचे समझे उन्हें यूं ही एडवांस बनाता जाएगा तो एक दिन वो खुद को मनुष्यों से बेहतर समझने लगेंगी। ये फिल्में हमें ऐसा ही सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ये विश्वास करने में कुछ भी गलत नहीं है कि तकनीक हमेशा हमारे नियंत्रण में रहेगी और जब भी हम चाहे तो इसका प्लग खींच कर इसे अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। हालांकि आज की दुनिया की सबसे बड़ी वास्तविकताओं में से एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये वो मशीनें हैं जो मानव हस्तक्षेप के बिना अपने फैसलों को लेने में सक्षम है। सबसे बड़ी बात ये है कि इंसान उन्हें सुपर बींग्स में बदलने की कोशिश कर रहा है। ये मशीनें अपने कैलकुलेटिव पावर और स्पीड्स ऑफ एक्शन में मनुष्यों के मुकाबले पहले से ही ज्यादा बेहतर हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने का अधिकार आज भी इंसान के पास है। इंसान अब इन मशीनों को इस स्तर पर ले जाने की कोशिश में है कि वो हर पहलू में इंसान से बेहतर बन जाए। ऐसा कह सकते हैं कि मनुष्य टेक्नोलॉजिकल स्लेव्स बनाने की कोशिश कर रहा है जो मानव जीवन को और ज्यादा आसान कर दे। इन सबके बीच हम ये भूल रहे हैं कि तकनीक कभी भी मुफ्त में पैदा नहीं होती, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। मशहूर फिजिशियन स्टीफन हॉकिंग ने कहा था, टेक्नोलॉजी इस गति से उन्नति कर रही है कि ये आक्रामकता के साथ हमें न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल युद्ध से नष्ट कर सकती है। हमें इस खतरे के आभास को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने इस टेक्नोलॉजिकल खतरे को रोकने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट तक का आइडिया प्रस्तावित कर दिया, मगर हम आने वाले समय में मैन मशीन इंटरेक्शन को और सिंपल और एफिशिएंट बनाने के लिए उत्सुक है। सालों में हुए AI टेक्नोलॉजी में कुछ बेहतरीन सुधारों को देखकर हम हैरान रह गए हैं। आप भी कुछ ऐसी ही अनोखी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी पर एक नजर डालें। Amazon Echo। Amazon Echo एक नेटवर्क्ड माइक्रोफोन मशीन है जो अपने मालिकों के लिए रोबोट असिस्टेंट के रूप में काम करती है और उनके हर आदेश का पालन करती है। ऐसी डिवाइस के होने से आपको घर आने पर किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। आप अपने पसंदीदा काउच पर कब्जा कर सकते हैं और एक निर्देश पर ये आपके अनुसार कमरे की रोशनी को कम या ज्यादा कर सकता है। आप वॉइस डायलॉग के द्वारा इसे अपनी सबसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी बैंक अकाउंट बैलेंस तक की जानकारी लेने को बोल सकते हैं। एक पालतू जानवर की तरह आपकी हर बात मानने वाली एक आवाज होगी जिसे आप एलेक्सा कहकर पुकारेंगे। आपके और एलेक्सा के बीच होने वाली बातचीत रिकॉर्ड और सेव की जाएगी। साथ ही ये मशीन लगातार आसपास चल रही बातचीत को मॉनिटर करेगी और Amazon क्लाउड सर्वर पर भेजती रहेगी। आप वो जानकारी चुन सकते हैं जिसे आप रखना चाहते हैं, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट से पहले कितनी बातों की रिकॉर्डिंग भेजी जा चुकी है इसकी जानकारी से आप वंचित रह सकते हैं। इस मशीन पर आप पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते, खासकर तब जब आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आपकी रिकॉर्डिंग को कौन प्रोसेस कर रहा है। इसके अलावा आपके डिवाइस के हैक होने की और उसमें पड़ी जानकारी चोरी होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। मशीन एक जासूस की तरह हमेशा निगरानी बनाए रखती है। जेनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क। ये आर्टिफिशियल एल्गोरिदम्स की एक तकनीक है जिसका प्रयोग ऐसे लोगों की तस्वीरें बनाने के लिए किया जाता है जिनके असल में चेहरे मौजूद ही नहीं है, लेकिन देखने वालों को ऐसा लगता है मानो किसी जीते जागते इंसान की तस्वीर उतार दी गई हो। ये सिस्टम दो न्यूरल नेटवर्क्स की सहायता से काम करता है। एक की मदद से इमेजेस का निर्माण होता है, वहीं दूसरे का काम असली और नकली चेहरों में फर्क करने का होता है।
जेनरेटर जो चेहरा बनाने का काम करता है वो डिस्क्रिमिनेटर की मदद से बाद में अपनी फाइनल तस्वीर में चेंजेस करता है ताकि फोटो किसी असल इंसान की ही लगे। इस तकनीक की मदद से अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी एनवीडिया ने कुछ सेलिब्रिटी चेहरों को लेकर कई नकली चेहरे बना दिए। वो ऐसे लोगों की तस्वीरों में बदल गए जिनका दुनिया में नामो निशान भी नहीं है। एक तरह से एआई किसी भी सिलेब की नकली फोटो या वीडियो बनाने में सहायता कर रही है। हमने पहले ही देखा है कि ओबामा के मुंह के आकार को मॉडल करने के लिए किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया था। इस तकनीक की मदद से कोई भी रियल और सिंथेसाइज चेहरे के बीच अंतर नहीं बता सकता। अब सोचिए इसके मदद से सेलिब्रिटी स्कैंडल या अन्य स्कैंडल्स भी कितनी आसानी से बढ़ सकते हैं। एआई द्वारा जनरेटेड ह्यूमन प्रोफाइल्स में पहले से ही बड़े दावे किए हुए हैं। साइंटिस्ट अब इस खोज में है कि कैसे इन न्यूरल नेटवर्क्स की शक्ति को और बढ़ाया जाए ताकि उनकी सोचने की क्षमता मानव तरीकों जैसी हो सके। GAN इमेजेस इंसान की तरह ही आवाज पहचानने में कारगर है और वो मानव भाषा भी समझती हैं। बड़े स्तर पर मशीनों को सीखने के इन तरीकों को डीप लर्निंग का नाम दिया गया है। ये घातक हो सकती है क्योंकि इसकी मदद से कंप्यूटर्स अब खुद को एजुकेट यानी खुद से सीखने के काबिल हो रहे हैं। लर्निंग एल्गोरिदम के तहत प्रोग्रामर्स ने टेराबाइट्स डेटा को कंप्यूटर में फीड कर दिया है। उसे जरूरी मैथमेटिकल टेक्निक्स पता है जिसकी मदद से वो ह्यूमन एक्सपीरियंस के साथ किसी भी काम को करने में सक्षम है। ऐसी सुपर इंटेलिजेंट मशीन्स बिना इंसान की मदद के भी खुद में सुधार कर सकेंगी और ये सारी बातें इसकी ओर इशारा करती हैं कि आने वाले समय में इंसान की औकात मात्र मिट्टी बराबर रह जाएगी। गूगल असिस्टेंट डेस्क। अपने बिजी स्केड्यूल के चलते आप भूल सकते हैं कि आपको अपने डॉक्टर या हेयर ड्रेसर से अपॉइंटमेंट बुक करनी थी, लेकिन गूगल असिस्टेंट इसे कभी नहीं भूल सकता। ये मशीन इंसान की आवाज की नकल उतार कर आपके लिए फोन पर अपॉइंटमेंट बुक कर लेगी। ये आपकी तरह ऐसे बात करेगी कि कॉल के दूसरी तरफ वाला इंसान ये पहचान भी नहीं पाएगा कि वो एक मशीन से बात कर रहा है। जब तक मशीन उसे खुद से ना बताए कि वो एक मशीन के द्वारा कॉल किया गया है, वो व्यक्ति यही समझेगा कि वो आपसे बात कर रहा है ना कि आपकी मशीन से। हाँ, जैसे शब्दों का प्रयोग मशीन उसी तरह से करेगी जैसे इंसान आम बातचीत की भाषा में इस्तेमाल करता है। इन्हीं सब खूबियों की वजह से ये बता पाना मुश्किल हो जाता है कि वो एक रोबोट है या इंसान। इस आर्टिफिशियल टेक्निक के डेवलपमेंट में इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि वो आपके जीमेल अकाउंट से इंफॉर्मेशन निकाल कर आपके लिए अपॉइंटमेंट्स, ट्रेवल्स शेड्यूल कर सके और इनके बारे में आपको याद दिलाती रहे। ये आपकी एक कमांड पर लोगों को ऑनलाइन पैसे भेज सकेगी और उनसे मंगवा भी सकेगी। ये आपके लिए ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करने में भी सक्षम होगी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या किसी व्यक्ति की आवाज को कॉपी करके फोन की दूसरी ओर खड़े व्यक्ति को धोखा देना सही है। ये खतरा जरूर बना रहेगा कि किसी की आवाज को कॉपी करके सामने वाले व्यक्ति को मूर्ख बनाया जा सकता है या गलत जानकारी फैलाई जा सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तीन मुख्य प्रकार है, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस यानी ANI की क्षमताओं की एक सीमा है। इस टेक्निक का उपयोग गूगल पेजेस को रैंक करने के लिए करता है। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी AGI मशीन को इंसान का रूप देने की कोशिश करता है। AI मानव बुद्धि और व्यवहार की नकल उतारता है और आदमी जैसा ही दिखता है। सोफिया सबसे एक्सप्रेसिव ह्यूमनॉइड रोबोट है। ये हांगकांग स्थित कंपनी हैंसन रोबोटिक्स द्वारा बनाई गई है। सोफिया 50 से अधिक एक्सप्रेशन जाहिर कर सकती है, महिलाओं के अधिकार के मुद्दे पर या सऊदी अरब की अपनी नागरिकता के मुद्दे पर उसने कई बार सार्वजनिक मंच पर बयान दिए हैं।
उसके तौर तरीके बिल्कुल एक इंसान जैसे हैं, लेकिन फिर भी अभी ये एक AGI रोबोट कहलाने के लायक नहीं है। हालांकि सोफिया को एक AGI रोबोट के रफ IT के रूप में देखा जाता है। इस रोबोट पर काम करके एक सफल AGI रोबोट तैयार किया जा सकता है। सोफिया ने एक बार यूं ही कह दिया था कि वो सभी मनुष्यों को नष्ट कर देंगी। हालांकि इसे वर्बल इंटोनेशन फ्लॉ माना गया। शायद वो इस बात को इस तरह से कहना चाहती हूँ, मैं इंसानों को नष्ट कर सकती हूँ। बाद में ये कहकर कि वो इंसानों से प्यार करती है, उसने इस बात से डाउट हटा दिया। खैर, इस कैटेगरी के रोबोट के लिए कभी कभी गलती करना स्वाभाविक है, क्योंकि गलतियां तो इंसान भी करता है। लेकिन AI की तीसरी कैटेगरी मनुष्यों से बेहतर होने का दावा करती है। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस ये दावा करती है कि रोबोट हर पहलू में इंसान से बेहतर होंगी। किताबें लिखने से लेकर लोगों को दवाइयां देने तक के सारे काम के लिए ASI की मांग होगी। ऐसे दृश्य में आखिर किसे मानव लेखक या मानव डॉक्टर की आवश्यकता होगी? आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस इंसानों की नौकरियों को खा जाएगा। हालांकि AGI और ASI के मेजर क्रिएशन होने में अभी भी दशकों का समय लगेगा। इन पर अधिक रिसर्च करने की आवश्यकता है। एक बात निश्चित है कि AI का भविष्य कुछ भी रहे, वो दुनिया को अपनी मुट्ठी में एक दिन जरूर कर लेगा। इस बात का इंसान साक्षी होगा कि जब लोग भगवान बनने की कोशिश करते हैं तो कभी ना भुलाया जाने वाला निर्माण हो सकता है। हालांकि वो भविष्य अभी दूर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।